नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। 16 दिसंबर साल 2012 में हुए निर्भया केस को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके बाद कानून में भी बदलाव किया गया था। वो केस आप और हम सबके जहन में है, लेकिन क्या आपको पता है कि निर्भया केस के पहले भी एक ऐसा केस हुआ था जो कर्नाटक के बेंगलुरु से था, और वो केस इस कदर से सामने आया था जिस तरह से वो केस हुआ था, जो दरिंदगी उस लड़की के साथ हुई थी। बीपीओ कर्मचारी थी, रात के समय उसके साथ दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद पूरा कर्नाटक समेत देश में लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। इतना ही नहीं, महिलाओं के कामकाज जगह यानी जहां पर वो काम करती थी, जिस ऑफिस में काम करती थी, उसे लेकर भी तमाम तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे कि उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा के लिए आखिर ऑफिसेस क्या कुछ करती हैं। इस केस के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर निर्भया केस से भी पहले एक ऐसा रेप और मर्डर केस हुआ था जिसने ना सिर्फ कर्नाटक को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी सामने आना पड़ा था, कानून में बदलाव लाना पड़ा था, नए नए गाइडलाइंस भी जारी करने पड़े थे। दरअसल इत्तेफाक देखिए कि निर्भया केस भी दिसंबर के महीने में हुआ था, और ये कर्नाटक के बेंगलुरु में जो रेप हुआ था और रेप के बाद उस महिला को मौत के घाट उतार दिया गया था, ये रेप केस भी दिसंबर का ही है। 13 दिसंबर साल 2005 का वो दिन था जब वो महिला बेंगलुरु के अपने घर से निकलती है। रात के तकरीबन 2 बजे का समय था। इसी दरमियान शिवा कुमार उसका कैब ड्राइवर था, जो उसे फोन करता है कि मैम आप आ जाइए, मैं गाड़ी लेकर आ चुका हूँ। आपको बता दें कि ये महिला बीपीओ सेक्टर में काम करती थी, और कर्नाटक बेंगलुरु इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ पर आईटी फर्म्स हैं और कई तरह की एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिसे लेकर देश के कोने कोने से लोग वहाँ पर जॉब करने आते थे। 2005 का वो समय था जब एक महिला वहाँ पर रहती थी। वो एक महीने पहले यानी नवंबर में ही उसकी शादी हुई थी, बीपीओ कर्मचारी से ही हुई थी, जिसके बाद 13 दिसंबर साल 2005 को रात के तकरीबन 2 बजे उसके घर के नीचे एक कैब ड्राइवर आता है। ये कैब ड्राइवर उसके बीपीओ कंपनी का ही ड्राइवर होता है, कंपनी की ही गाड़ी होती है। वो फ़ोन करता है कि मैम मैं नीचे खड़ा हूँ, जिसके बाद वो 28 साल की महिला नीचे आती है, कैब में उसके आगे की सीट पर बैठ जाती है। अब कैब ड्राइवर शिवा कुमार के बगल के सीट पर बैठ जाती है वो 28 साल की महिला। अब कैब ड्राइवर के मन में तो कुछ चल रहा था जिसे वो अनजान थी, उसे पता नहीं था। उसे लगा आगे जाकर और भी कर्मचारी को वो पिक करेगा, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप की सर्विस कंपनी की थी। अब महिला के साथ वो कैब ड्राइवर शिवा कुमार आगे बढ़ जाता है, लेकिन महिला को वो ऑफिस नहीं छोड़ता, जिसके बाद कुछ ही घंटे में उसकी माँ दौड़ी भागी पहुँचती है पुलिस स्टेशन। महिला की माँ पुलिस से बताती है कि उसकी बेटी जो है रात के 2 बजे अपने ऑफिस यानी बीपीओ कर्मचारी थी, वो अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन वो ऑफिस नहीं पहुँचती, इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। अब पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है, जानकारी मिलती है कि एक महिला का केस है। ऐसे संगीन मामलों में पुलिस फौरन एक्शन लेती है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में जुट जाती है, तो सामने आता है कि कंपनी का कैब ड्राइवर शिवा कुमार ही लास्ट में उस महिला से मिला था। अब पुलिस शिवा कुमार को तलाशने में जुट जाती है। और दूसरी ओर आपको बता दें कि शिवा कुमार जो था, 13 दिसंबर की रात उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, उस महिला को ले गया, उसके बाद से उस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस जांच करती है कि आखिर शिवा कुमार कहाँ है, इस पर कोई खबर नहीं मिलती। दूसरी ओर बता दें कि शिवा कुमार बकायदा इस रेप और मर्डर केस को लेकर अपडेट ले रहा था कि पुलिस क्या कुछ कर रही है, अभी तक पता नहीं था कि वो बॉडी कहां पर थी। दरअसल आपको बता दें कि उस वक्त के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसके उमेश थे, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था इंडियन एक्सप्रेस को, जिसमें उन्होंने खुलासा किया इस केस को लेकर कि कैसे उन्होंने इस निर्भया केस के पहले एक रेप और मर्डर केस का सामना किया था, और जिसे लेकर उन्होंने इतनी बारीकी से जांच की थी कि शिवा कुमार को पकड़ना उनके लिए नाक की लड़ाई हो चुकी थी कि कैसे भी उस आदमी तक पहुँचा जाए, क्योंकि वो महिला आखिरी बार शिवा कुमार के साथ ही जाती हुई नजर आई थी, या परिवार की तरफ से ये बताया गया था। दूसरी ओर कंपनी का कहना था कि शिवा कुमार उसके कंपनी में ड्राइवरी के काम तो करता था, लेकिन वो उस रोज़ वहाँ ऑफिस नहीं पहुँचा था, बजाय इसके कि कंपनी ने यह बताया कि शिफ्ट तो उसकी नहीं लगी थी, जगदीश नाम का ड्राइवर था,
उसे पिक करने के लिए जाना था उस महिला को, लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ पर शिवा कुमार था। और दूसरी ओर जब शिवा कुमार का नाम सामने आता है तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए टीम बनाती है और उस तक कैसे कैसे तो पहुँच जाती है। अब शिवा कुमार को पकड़ती है तो पूछताछ करती है। शिवा कुमार कहता है कि वो उस रोज़ उस घर पे नहीं गया था, यानी उस महिला को वो पकड़ने कैब में बिठाने के लिए नहीं गया था। कंपनी के तरफ से जो रोस्टर आया था उसमें जगदीश का नाम था, वो कैब ड्राइवर था, और जगदीश की ड्यूटी थी कि उस महिला को बतौर अपने ऑफिस तक छोड़े, लेकिन उस रोज़ जगदीश नहीं बल्कि शिवा कुमार गया था, ऐसे उस महिला के परिवार वालों का कहना था। अब पुलिस तमाम एंगल को जोड़ती है, टटोलती है, जिसके बाद पुलिस को शक होता है शिवा कुमार पर। अब पुलिस शिवा कुमार को उंगली टेढ़ी करती है घी निकालने के लिए, और वही काम भी आता है। शिवा कुमार से पूछती है कि आखिर शिवा कुमार, हम जानते हैं कि किसी भी तरह से ये सच यही है कि क्राइम तुमने किया है उस महिला के साथ, और महिला का जो भी पता है, ठिकाना है, जहाँ भी है तुम ही बताओगे, और आखिरी बार तुम ही थे। शिवा कुमार लगातार मना करता रहा कि वो नहीं लेने गया था, पिक करने नहीं गया था उस महिला को, लेकिन पुलिस अपने जुगाड़ में लगी होती है और आखिरकार पुलिस सफल होती है। 4 से 5 पुलिस ऑफिसर उस सुपरिटेंडेंट के साथ, यानी एसके उमेश के साथ उस कमरे में होते हैं। 6 लोग होते हैं, पुलिस ऑफिसर ही होते हैं। सभी शिवा कुमार को कहते हैं कि अगर तुमने सच्चाई बयां कर दी तो हो सकता है कि हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके, हो सकता है तुम्हारी सज़ा कम हो सके। इस पर अगले 5 मिनट में तोते की तरह शिवा कुमार अपना हर राज उगल देता है। अब पुलिस जब सुनती है उसके मुंह से कि जैसे उसने बयां किया है, जिस तरह से उसने अपराध किया है, पुलिस को ज़रा भी लगता नहीं है कि इस तरह से भी अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। और हैरानी की बात ये थी कि जिस वक्त शिवा कुमार ने उस महिला के साथ, उसकी असमत के साथ खेला था, उस वक्त बेंगलुरु की एक पेट्रोलिंग टीम वहाँ पर पेट्रोल के लिए निकली थी, लेकिन उसकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ती है। शिवा कुमार ने कहा कि पेट्रोलिंग टीम वहाँ पहुँची थी, गाड़ी देखी थी, तो उन्हें लगा कि वो कार वहाँ पर पार्क है, जिसकी वजह से उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया गया, और अंदर वो महिला के साथ शिवा कुमार था, और वो महिला का मुंह दबाए हुए था, जिसकी वजह से उसकी चीखें नहीं निकल पाई, और हो सकता है कि अगर वो चीखें निकलती तो शायद पेट्रोलिंग टीम उस तक पहुंच जाती और उस महिला को बचा लेती। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, जिसकी वजह से महिला तक पुलिस पहुंचती नहीं है। शिवा कुमार जब अपने बयान कबूलनामा देता है, पुलिस के सामने जो सच उगलता है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर उस समय इस तरह से कैब ड्राइवर कैसे अपराध को अंजाम दिया था। दरअसल शिवा कुमार ने कहा कि रोस्टर पर उसकी टाइमिंग नहीं थी, क्योंकि जगदीश को लेने जाना था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ योजना चल रही थी, जिसके मुताबिक वो अवेयर था कि इनकी नाइट शिफ्ट है उस महिला की, जिसकी वजह से वो बेंगलुरु के उस रेसिडेंस पे पहुंचता है जहां पर वो महिला को कॉल करता है, बुलाता है। अब महिला नीचे आती है, नीचे आने के बाद वो आगे की सीट पर शिवा कुमार के साथ बैठ जाती है, जिसके बाद गाड़ी उसके कंपनी की ओर ना जाकर एक सुनसान जगह पर जाती है, जहाँ पर शिवा कुमार फौरन से अपने पास रखा हुआ नाइफ निकाल लेता है। अब वो डराने धमकाने लगता है उस महिला को। महिला पहले डर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी का ड्राइवर था, एक भरोसेमंद शख्स था। इस पर वो बोलती है कि ये क्या कर रहे हो। वो भागने की कोशिश करती है, चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार शिवा कुमार उसकी आवाज़ को बंद करने लगता है। अब शिवा कुमार चाकू के बल पर उस लड़की को, उस औरत को वहाँ से ले जाता है सुनसान जगह पर, जहाँ पर वो खड़ा रहता है। इसी दरमियान पेट्रोलिंग टीम वहाँ से गुजर रही होती है और वो लड़की के मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि उसकी आवाज़ें, उसकी चीखें बाहर तक ना जा पाए, और वही होता है। और इसके बाद वो महिला को मुंह पर हाथ रखते हुए उसके असमत के साथ खेलता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। इसके बाद उस चाकू की मदद से उस महिला का गला रेत देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उस महिला की मौत हो जाती है। अब ये सोचता है कि क्या किया जाए इस बॉडी का, तो पास में पड़े ओपन जो ड्रेनेज होता है, नाला होता है, वहाँ पर ले जाकर उसकी बॉडी को डंप कर देता है। अब पुलिस के सामने ये कबूलनामा आता है, जिसके बाद शिवा कुमार को पुलिस पकड़ती है और उसे ले जाती है कि आखिर तुमने बॉडी कहाँ डंप की। तो वो ले जाता है उस जगह पर, सुनसान जगह पर, जहाँ पे नालियों में उसने उसकी लाश फेंकी थी। लगभग 3 दिन का समय हो चुका था। पुलिस वहाँ जाती है तो देखती है कि ओपन ड्रेन में वो लाश तैर रही थी।
अब पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, तमाम टीमें उस महिला को वहाँ से निकालते हैं, लाश निकलती है तो देखा जाता है कि वो डिकम्पोज्ड हो चुका है, क्योंकि पानी में लगातार 3 दिन तक बॉडी थी, जिसकी वजह से लाश की अवस्था बेहद ख़राब हो चुकी थी। अब पुलिस फॉरेंसिक के लिए भेजती है, जिसके बाद शिवा कुमार से भी पूछताछ होती है, चार्जशीट दाखिल करती है। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट को गठित किया जाता है, क्योंकि जैसे ही मामला सामने आता है और ये खुलासा होता है कि रेप के बाद मर्डर किया गया है, पूरा मानो कर्नाटक ही कोहराम मचा दिया था कर्नाटक के लोगों ने, जिसके बाद प्रोटेस्ट कर्नाटक से शुरू होकर पूरे देश में होने लगा और लोगों ने डिमांड किया कि कल्प्रिट को आखिर इस तरह छोड़ा ना जाए, उसे कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पब्लिक प्रोटेस्ट के आधार पर इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के उस पर आधार पर गठित किया गया था, उसमें जांच चल रही थी, जिसके बाद समय रहते पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसके मुताबिक ये साबित हुआ कि उस रोज़ शिवा कुमार ही था, जगदीश को जाना था लेकिन शिवा कुमार जाता है, बकायदा प्लानिंग के तहत जाता है और उस लड़की को अपने कार में बिठाकर वो सुनसान जगह पर उसके साथ रेप और मर्डर करता है। इसके बाद पुलिस चार्जशीट में ये सारी चीज़ें बयां करती है, पूरे क्राइम सीन को इस्टेब्लिश करती है, जिसमें ये प्रूफ हो जाता है कि शिवा कुमार ही उस रोज़ उस लड़की के साथ दरिंदगी किया था। शिवा कुमार को पूछा जाता है कि आखिर तुमने किस वजह से इस लड़की को टारगेट किया, तो इस पर वो कहता है कि उसकी जो बीवी थी वो मायके चली गई थी और वो उस वक्त बहुत भूखा था, जिसकी वजह से वो शारीरिक अपनी नीड पूरी करने के लिए उस लड़की को टारगेट किया और इजी टारगेट लगा, जिसकी वजह से वो पहला पिक उस लड़की को ही करता है और अपनी कैब में बिठाकर उसे सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां पर वो इस तरह से बर्बरता करता है। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर साल 2010 में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उन्होंने वर्डिक्ट दिया था, जिसमें कल्प्रिट यानी शिवा कुमार को उम्र कैद की सज़ा दी, जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट और विदाउट पैरोल यानी किसी भी कीमत पर उसे जेल से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे जब तक भी उसकी लाइफ होगी वो उम्र कैद की सज़ा उस जेल में काटेगा। इसके खिलाफ वो जाता है अपर कोर्ट यानी कर्नाटक हाई कोर्ट में, अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट जाता है, अपील डालता है, जिसके बाद स्टेट की जो हाईएस्ट कोर्ट होती है कर्नाटक हाई कोर्ट उसके अपील को डिसमिस कर देती है, जिसमें वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसे ही बखूबी रखती है कि जो चीज़ें हैं उसे ही अपहेल्ड करके, यानी जो उसे उम्र कैद की सज़ा थी वही बरकरार रखती है। अब बात करेंगे कि इस केस को लेकर आखिर जो परिवर्तन आए थे आईटी कंपनी को लेकर, चाहे वो वुमेन सेफ्टी को लेकर, अब उस पर बात करते हैं। आपने निर्भया केस देखा होगा, आपने ये केस के बारे में हमने जिक्र किया और ऐसा नहीं है कि ये पहला केस था या आगे आने वाले समय में ये सारे केस नहीं मिलेंगे। अमूमन आपने देखा होगा कि भारत में आए दिन आपको सुनने में मिलता है कि यहाँ, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, हाल ही में हमने देखा कि बदलापुर केस सामने आया, कोलकाता से डॉक्टर रेप केस सामने आया, इसके बाद महाराष्ट्र के नागपुर से आया था, कई जगह से ऐसे तमाम खबरें आती हैं, उत्तराखंड से आया। तो इन केस को लेकर अब बात करेंगे कि वुमेन सेफ्टी को लेकर आखिर कर्नाटक में हुए इस रेप कांड ने कैसे बदलाव लाया था। वो दौर था साल 2005 का, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे थे और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, महिलाओं का भी कार्यशैली में उनकी योगदान बढ़ रही थी, क्योंकि पहले के टाइम पे अमूमन अगर औसतन देखा जाए तो महिलाएं कम थी वर्क कल्चर में, जिसके बाद से 2000 के बाद से महिलाओं का योगदान बढ़ा था। और इसी दरमियान बेंगलुरु में आईटी फर्म्स थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी, एमएनसी थी, जिसकी वजह से युवा वहां पर रोजगार के लिए जाते थे। लेकिन इसी दरमियान साल 2005 में रेप और मर्डर केस होता है, जिसे लेकर लोग सहम जाते हैं कि आखिर सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या, क्योंकि इस तरह से अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कोई भी अपनी बेटी भेजने से, अपनी बहन भेजने से कतराएगा। तो यही चीज़ वहां हो रही थी, जिसके बाद तब के वहां पे जो सीएम थे उन्होंने कानून में बदलाव लाया, उन्होंने सीएम जो थे एन धर्म सिंह थे, उन्होंने एक नई पॉलिसी लाई, जिसके तहत उन्होंने वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस इसको वो किया। इसके साथ ही एमएनसीज में गाइडलाइंस लाई कि अगर नाइट शिफ्ट लगती है वुमेन की तो आप कैब पिक एंड ड्रॉप सर्विस आपको देना होगा कंपनी को। इसके साथ ही जो गार्ड्स होते हैं वहाँ पर, वो गार्ड्स उनके साथ होंगे उस कैब में, अगर महिला अकेली है तो एक गार्ड आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो कैब है, कैब में जीपीएस सिस्टम होना अनिवार्य है। ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें थी, सेफ्टी था, जो गाइडलाइंस निकाला गया इस केस के बाद कि जैसे जिस तरह से रेप केस हुआ था और वो भी ऑफिस के कैब ड्राइवर की तरफ से,
इस पर यह भी बोला गया कि आप किसी भी ड्राइवर को अगर रखते हैं तो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उसके FIR पुलिस रिकॉर्ड चेक करेंगे कि आखिर उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइंस में ये पॉलिसीज में लाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया था इन तमाम चीज़ों को लेकर कि ये चेंजेस होने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल था क्योंकि नाइट शिफ्ट में महिलाएँ इस तरह से, अगर ऑफिस के ही लोग इस तरह से हो जाएंगे तो अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अब बात करेंगे कि ये पहला ऑफिस का ऐसा केस नहीं था क्योंकि कैब ड्राइवर उनके ऑफिस का था। अब बात करते हैं हाल ही में कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ जिस तरह से सेमिनार हॉल में केस हुआ था, तो ये पहला केस नहीं था। कर्नाटक का केस हमने बताया, निर्भया केस बताया, हालांकि निर्भया केस सड़कों पे हुआ था, लेकिन जिस तरह से वर्क कल्चर जहाँ पे वो काम करती थी उसी को टारगेट किया जाता है और वहीं के आने जाने वाले लोग उस महिला या उस लड़की को टारगेट करते हैं, तो अपने आप में विमेन सेफ्टी कितना बड़ा कंसर्न है ये सोचने वाली बात है। और ऐसा ही नहीं, अरुणा सिन्हा का भी आपको केस याद होगा कि मुंबई के KM अस्पताल में वो नर्स थी जहाँ पर अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी ने ही उसके साथ ज़्यादती की थी, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी और कोमा में जाने के बाद वो उसी अस्पताल में लगभग 40 साल तक बेड पर रही थी, जिसकी वजह से उसे इच्छा मृत्यु की उसने डिमांड की थी, हालांकि वो नामंजूर किया जाता है जिसके बाद उसकी मृत्यु अपने आप हो जाती है। तो ये तमाम पहलू है जो वेमेन सेफ्टी को लेकर आज भी सवाल उठाते हैं और कितना बदलाव हुआ है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर इस तरह से, चाहे वो साल 2000 साल बदलते जाते हैं, साल 2005 हो, साल 2012 हो, साल 2024 हो, तो ये साल बदलते गए लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी ही रही। कितना बदलाव हुआ, क्या समाज में क्या हुआ, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। ज़रूरत है विमेन सेफ्टी की, अगर आपके साथ विमेन काम कर रही है तो वो एक प्रोटेक्शन देने की कि वो सेफ और महफूज फील कर सके अगर आपके साथ है।